छात्र छात्राओं में जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, सभी के लिए एंटी रैगिंग फॉर्म भरना अनिवार्य है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे एंटी रैगिंग, जो पहला ही आएगा उसको खोलेंगे एफिडेविट। उसके बाद फॉर्म्स में जाएंगे, स्टूडेंट अंडरटेकिंग, उसके बाद आप यहाँ पे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन चूज कर लेंगे। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन जैसे ही आप चूज करेंगे तो आपकी अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगी। इसमें फर्स्ट में जैसे आपको एक फॉर्म हम भर के दिखा रहे हैं, कार्तिक यस ए आर ई आई के सही है ना स्टूडेंट? कार्तिक सर ने चौधरी फोन नंबर 999-7-1-2-1-8-77 @ विनय कुमार कुमार @gmail.com फर्स्ट नेम आ जाएगा। लास्ट नेम में आपका अगर मिडिल नेम भी है जैसे किसी का कार्तिक कुमार चौधरी होता तो कुमार बीच में आ जाता, चौधरी लास्ट में। जेंडर में आप अपना डाल सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है। ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, सिटी मुजफ्फरनगर सिंगल जेड। पेरेंट्स ने फादर का नाम विनय कुमार, फोन नंबर पेरेंट्स का 999-7-1-2-1-8-77 विनय कुमार। पेरेंट्स की ईमेल आईडी डालनी है आपने gmail.com मुजफ्फरनगर मीरापुर EREAPUR
नीचे पे इसमें स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, इसको हम करेंगे दोबारा और अटैक ये दोबारा इसे आंसर 1802 उसका कोड है फॉर्म में जल्दी हो जाएगा। बड़ा जान से ये डिटेल भी आ गई इसमें 1809 यहाँ पर डिटेल कॉलेज का कोड कैरेक्टर की नेम में आएगा आकाश डायरेक्टर के नेम में आएगा आकाश वाजपेयी कॉलेज के फोन नंबर में आएगा 9458 4843 82। ठीक है, और चीज़ ऑप्शन में अगर आपको कुछ जानना है आप जान सकते हो, यूनिवर्सिटी ऐसी जरूरत नहीं है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे डिप्लोमा आपकी जो ब्रांच है जैसे डिप्लोमा इन मकैनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना, ठीक है, सिविल वाला सिविल करंट ईयर ऑफ स्टडी फर्स्ट, लेटरल एंट्री वाला सेकेंड आ गया, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आ गया बाद में नीचे जो कॉलम सारे उनमें सबमिट पर क्लिक कर देना। ये अपने आप ही भरा हुआ है, उसमें आ जाएगा एंटी रेजिंग का फोन नंबर 1800 180 5522। ठीक है, देखना और बस उसके बाद इसमें आई एम चेक में करके सबमिट फॉर्म विनय कुमार कुमार हेड 3 जीपीएल जब ये सबमिट कर देंगे तो उसके बाद एक रेफरेंस आईडी आ जाएगी, इस आईडी को नोट कर लेना, ठीक है, इस आईडी को नोट कर लेना। उसके बाद आप जाएंगे अंडरटेकिंग में जाएंगे, अंडरटेकिंग में तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, रजिस्टर डाउनलोड वेरीफाई, डाउनलोड में चले जाएंगे, डाउनलोड में जाके जो भी आईडी आपने देखी थी वही आईडी डालेंगे, इसी तरह अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने भी अपना लिया था, फिर आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपका फॉर्म ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। इसमें दो पेज आएंगे, इनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे अपने साइन डेट नीचे दोबारा प्लेस और फिर यहाँ पे अपने साइन, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का होगा ऐसे ही सेम, पेरेंट्स के साइन डेट और
यहाँ पे भी उनके साइन और वेरीफाइड है जहाँ पे जिस प्लेस पे आप इसे करके आप लोग जल्द से जल्द सबमिट करेंगे, ठीक है। आगे सारा प्रोसीजर समझ।